जम्मू कश्मीर के जिला रियासी में चोरी की वारदातों में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके ऊपर अंकुश लगाने में पुलिस अब तक असमर्थ साबित हुई है, जिसके विरोध में आज पोनी कस्बे के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि बीती रात को 6 दुकानों में चोरों ने हाथ साफ किया और लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए और अब तक पुलिस की गिरफ्त में कोई भी नहीं आ सका है, जिसके चलते पोनी कस्बे की सभी दुकानों को बंद रखकर जो है 4-5 घंटे के लिए शिवगोड़ी कटरा रियासी मार्ग को बंद रखा गया। आज का वाकया ये था कि पौनी के अंदर पिछले 6 महीने से कम 16 चोरियां हो चुकी हैं और लोग बहुत गुस्से में थे आज कि ये पौनी के अंदर ही इतनी चोरियां क्यों हो रही हैं और एक भी चोरी आज तक जो ट्रेस नहीं हो पाई है। और फिर उसके बाद हमारी बात हुई एसएसपी रियासी के साथ, तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि मैं 3 दिन के अंदर इंक्वायरी करूंगा और इंक्वायरी करके जो कसूरवार पाया गया उसको जहां से उठाऊंगा। तो लोगों ने कहा कि इस एसएचओ जो पौनी के अंदर है और इसको जहां से जल्दी इस जाए अटैच करें, जहां जहां से इसकी ट्रांसफ़र करें। फिर हेडक्वार्टर साहब ने पूरा विश्वास दिलाया जनता को कि मैं 3 दिन के अंदर एसएचओ पौनी को जहां से ट्रांसफ़र कर देंगे। और लोगों ने कहा कि अगर 3 दिन के अंदर जहां से ट्रांसफ़र नहीं किया गया और उसके बाद 3 दिन के बाद प्रोटेस्ट जारी रहेगा, क्योंकि जो जनता चाहे हम जनता के साथ हैं, जो जनता चाहेगी हम जनता के साथ हैं और 3 दिन के बाद हम भी जनता के साथ जहां पर ही बैठेंगे। जय हिंद। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना था कि थाना प्रभारी पोनी को ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि इनकी मौजूदगी में ही 12 से 15 बार चोरी हो चुकी है और एक भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। स्थानीय लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उनकी मुख्य तौर पर एक ही मांग थी कि पुलिस नाकामयाब रही है और इसके चलते जो है साफ तौर पर अब कड़े कदम उठाने चाहिए। साथ ही साथ उनका कहना था कि पुलिस हमेशा पेट्रोलिंग करती रहती है, लेकिन उनकी मौजूदगी में ही चोरों ने दुकानों में हाथ साफ किया है। प्रदर्शनकारियों में मुख्य रूप से DDC निर्मला देवी, BDC पवन कुमार शर्मा और तमाम नेता भी मौजूद थे। उन्होंने 3 दिन के अंदर थाना प्रभारी को ट्रांसफर करने का समय दिया है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे DSP रियासी हेडक्वार्टर्स इस्तकार अहमद ने आश्वासन दिया कि आपके कहे मुताबिक काम किया जाएगा, जिसके बाद सड़क मार्ग को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। पौनी जो टाउन है ये रियासी से कोई 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ एक एपिसोड आज रात को हुआ है जिसमें कोई 4-5 दुकानों के ताले टूटे हैं, उसके मुतालिक लोग सुबह से यहाँ धरने पर बैठे थे और यहाँ हम पहुँचे हैं। हमने उसमें शोर करने की पूरी कोशिश की है कि जो भी इस तरीके का एपिसोड हुआ है उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगी और FIR रजिस्टर करके हम प्रॉपर कार्रवाई करेंगे और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हफ्ते के अंदर अंदर हम इसको ट्रेस कर पाएँ, क्योंकि चोर को ट्रेस करना पुलिस की प्राइम रिस्पांसिबिलिटी है। और हमारी और दूसरी बड़ी बात यह है कि हम ये भी अश्योर कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा एपिसोड ना हो, उसमें शहर में डिप्लॉयमेंट, नाके या बाकी चीज़ें जो हैं वो भी बढ़ाई जाएंगी। मैं यही कहूँगा, जैसे आपने बताया कि ये चूँकि शिवखोड़ी जाने वाला रास्ता है और यात्री जो टिकट करा के या टाइम बाउंड मैनर्स में वहाँ से कोई देश के कोने कोने से यहाँ पे आते हैं, तो हमारे घर का कोई भी छोटा इशू है या कुछ है तो हम थाने में बैठ के भी उस मसले को हल कर सकते हैं, या तहसीलदार साहब पौनी में बैठते हैं, हमारे थानेदार बैठते हैं तो उनके साथ बैठ के इशू जो है वो सॉर्ट आउट किए जाते हैं। कहीं जहाँ पर कॉपरेशन की कमी है, कहीं दूसरी किसी चीज़ की कमी है, तो उसको भी हम वर्कआउट करेंगे ताकि इस तरीके का एपिसोड जो है वो दोबारा ना हो। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में पुलिस द्वारा किस तरीके से काम किया जाता है और क्या लोगों को 3 दिनों के अंदर जो है कोई बेहतरी दिखेगी, या फिर एक बार चोर जो है वो हाथ साफ करते हुए नजर आएंगे। रियासी से करणदीप की रिपोर्ट।